हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आईबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। देखिए दोस्तों, कल जो है ना हमने बीच में से छोड़ दिया था, जहां से छोड़ा है वहीं से आज हम जो स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को खत्म करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में ही जो है ना हम 2021 में आए हुए मॉडल पेपर जो है ना उसको भी, उसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जितने भी सवाल थे ना उनको हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो आज का जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का है द टीचर सेड, देखिए क्या बोल रखा है, देख लेता मैं भी। ही सेड टू मी या फिर ही सेड डू नॉट प्ले इन द सन, ठीक है, ये बोल रखा है। ही सेड डू नॉट, यहाँ से जो है ना ये कम है, डू नॉट प्ले इन द सन, ठीक है ना। यह जो है ना आपको बोल रखा है। आपको जो पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है ना होता क्या है, जो सेड टू है ना उसकी जगह आपको ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इसके बाद वॉर्न्ड, इसके बाद रिक्वेस्टेड, ये सभी जो है लगाने होते हैं। साथ ही साथ जो है ना ये आपके इन्वर्टेड कॉमा जो है ना उसको हटा कर जो है ना आपको टू लगा लेने का है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। और साथ ही साथ जो आपके ये होते हैं ना, जो आपके ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किन से स्टार्ट होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू या डज से, या फिर जो है ना प्लीज से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ये डू से स्टार्ट हुआ है। अब इसको जो है ना हमें कैसे करना है, देखिए डू वाला तो हमने कर लिया था, लेकिन ये डू में जो है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको जो है ना करने के दो तरीके, सबसे पहला तरीका क्या है, हम किसका यूज करेंगे, फॉरबिड का, ठीक है, फॉरबिड का जो है ना हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए ही फॉरबिड फॉरबिड मी, क्या है ही फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना किया, ठीक है, मना किया, मना करना जो है फॉरबिड का मतलब होता है। तो उसने मुझे मना किया, अब मना करने का काम यहीं पे हो चुका है, तो किसका मना किया, खेलने का, कहाँ पर खेलने का, इन द सन, ठीक है। तो क्या ही फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन, ठीक है ना, इस तरीके से जो है ना आपको करना है। उसने मुझे मना किया सन में, इन द सन मतलब सूर्य में खेलने का मना किया, बात जो है ना आप समझ रहे होंगे। इसमें जो है ना हम डू नॉट को हटा देंगे, यदि हमको फॉरवर्ड का यूज करना है तो आप डू नॉट को जो है ना हटा देना, ठीक। इसी तरीके से देखिए एक और है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपको फॉरवर्ड का यूज नहीं करना तो आप कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ही, उसने जो है ना कहीं आपको एडवाइस भी दी होगी, हो सकता है एडवाइस दी है, हो सकता है आपको वॉन्ट किया या फिर ऑर्डर दी, ऑर्डर तो नहीं दिया, एडवाइस दिए, तो आप लिखोगे ही एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड आपका दोस्त तो आपको एडवाइस दे सकता, आपको ऑर्डर दे नहीं सकता, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको लिखना है नॉट टू प्ले, नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है ना, प्ले इन द सन मतलब आपको जो है ना इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो टू होता है ना, टू के पहले नॉट लगना है, लिखना है, इसके बाद आपको टू लिखना है। यह जो है ना दो है, ठीक है, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए आपको बोल रखा है द टीचर, द टीचर क्या बोल रखा है, सेड, ठीक है ना, इसके बाद बोला है नेवर, नेवर वेस्ट वेस्ट योर टाइम। अब ये जो है ना आपको समझ में कुछ आया नहीं होगा कि सर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। देखिए इम्पेरेटिव सिंपल सा है, साफ सा दिख रहा है, क्योंकि ये नेवर का मतलब ये होता है नहीं होता, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ना ये पूरा प्रेजेंट टेंस में हो, आपको जो है ना एक मतलब बोला गया, सजेशन दी गई यहाँ पर कि आप जो है ना अपना टाइम जो है जिंदगी में कभी भी वेस्ट मत करो। तो आपको जो सिंपल सा ये लिखना है द टीचर TEACHER, अच्छा टीचर आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑर्डर तो दे नहीं सकते क्योंकि टाइम वेस्ट करना या ना करना ये तो आपके हाथ में है, और यदि ऑर्डर दिया होता तो आपको करना ही होता, ठीक है। तो यही है द टीचर एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज्ड मी नेवर NEVER नेवर टू वेस्ट WASTE वेस्ट माई टाइम, ठीक है ना, माई टाइम, इस तरीके से भी जो है लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हैं एडवाइस, आप बहुत सारे बच्चे हो ना तो आप लिखोगे एडवाइस अज, मतलब हमको सलाह दी कि हम जो है ना हमारा टाइम वो यू आर हमारा टाइम जो है वो खराब नहीं करे, इस तरीके से जो है ना आपको करना है। बड़ी सिंपल से जो है ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक तरीके के और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं प्लीज से। मैंने आपको बताया था कि प्लीज से स्टार्ट होने वाले भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आपको बोला, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको बोला है माई मदर या फिर माई ब्रदर सेड
सेड, क्या कहा, प्लीज प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आपके दोस्त ने जो, सॉरी आपके जो भाई है ना, वो आपको बोल रहा है कि कृपया एक पानी का गिलास मुझे दे दो। तो उसने जो है ना, देखिए प्लीज है, अब इसको कैसे करना है, सिंपल सी बात है, प्लीज है मतलब वो आपसे जो है ना क्या कह रहा है, आपके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे जो है ना प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक गिलास जो है पानी का दे दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आपको सेड की जगह लिखना है रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो आप लिखोगे, देखिए माई ब्रदर ब्रदर रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी डी, रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट की, मुझे ही की होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड मी, मतलब यहाँ तक जो है ना मेरे भाई ने मुझे प्रार्थना की, अब प्रार्थना की ना, तो अब जो है ना आपको ये प्लीज लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ना आप प्लीज हटा देना। तो आप प्लीज हटाओगे तो आपको क्या लिखना है, मी टू विंग विंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा को जब आप हटाते हो ना, तब जो है ना आपको टू तो लगाना ही है, ठीक है, साथ साथ आपको ये प्लीज जो है ना वो हटा लेने का है। टेंस में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन प्रोनाउन वगैरह जो होते हैं उसमें चेंज करने का है, ठीक है। बात जो है ना आपको समझ में आ गई होगी, तो इस तरीके से जो है ना इनको करना है। बाकी जो है ना आपके लिए मैंने ये पूरी इसकी डायरेक्टोरी स्पीच की पूरी PDF बना ली है, आज शाम तक जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आप जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ साथ टेलीग्राम जो हमारे चैनल की लिंक है वहां पर जो है ना आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जाकर जो है उसको देख कर उसको डाउनलोड कर सकते हो, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। साथ साथ एक और जो है ना मैंने आपके लिए काम किया है, देखिए यह जो है ना अब आपका एग्जाम का टाइम लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो इसको जो है ना चेक करने के लिए अब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट मैंने कर ली है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे कि सबसे पहले हम इंडायरेक्ट स्पीच से ही स्टार्ट करेंगे, उसमें जैसे कि इंडायरेक्ट स्पीच के मैं आपको 2019, 2018, 2017, ठीक है, सॉरी 2019, 20 और आपका 18, इन तीनों के क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको अलग से क्वेश्चंस इनकी जो है ना टेस्ट सीरीज बना के आपको दूंगा, ठीक है। अब वो जो है ना आपको हल करने हैं, और उसके अगले दिन आपको जो है ना वीडियो के द्वारा मैं आपको उसके आंसर की उसके सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। और साथ साथ यदि आपको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन तो दे दिए है, अब आपको जल्दी से सॉल्व कर लियो, आपको जल्दी से उसका आंसर चाहिए, तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है IBBS इंग्लिश क्लासेस, वहाँ आइए, वहाँ आपने कैसे हल किया है उसका हमें फोटो भेजिए, वो हम देख के बताएंगे कि आपने सही किया है नहीं, और आप में क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक आप कर रहे हो, तो वो सब जो है ना हम आपको वहाँ पर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इससे जो है ना हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना होगा नहीं, टेस्ट सीरीज की टाइमिंग होगी 3 बजे, ठीक है, 3 बजे हर दिन जो है ना वीडियो आता रहेगा, आप उसको देख लेना। बाकी 6 बजे तो हमारा इंग्लिश का वीडियो जो है वो आता है तो आता ही रहेगा, इसमें जो है ना हमारा कोई चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बस आप अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में पूरी तरीके से फोड़ने की जो है ना तैयारी करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जो है ना हमारे कौन से आ गए, नेवर वेस्ट योर टाइम प्लीज वाले तो हो गए हैं, इसके बाद जो हमारे कौन से बचे हैं, ठीक है, इधर एक और है आपका सिंपल सा है, वही है जैसे कि द स्टूडेंट, देखिए यही जो है एक और हम कर लेते हैं, इससे जो है ना आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, एक और द टीचर द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, इसके बाद क्या बोला, काइंडली चेक माई होमवर्क, ठीक है ना, यह जो है ना मुझे बोला है, यह जो है ना उस स्टूडेंट ने जो है ना टीचर से अपने अध्यापक से कहा कि कृपया मेरा होमवर्क चेक कीजिए। तो आप जो है ना क्या लिखोगे, देखिए सेड टू की जगह है ना आपका रिक्वेस्टेड लिखना, सिंपल सी बात है, आप लिखोगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया, द टीचर TEACHER टीचर, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, आप लिखोगे टू टीचर टू, क्या है, अब आप काइंडली को जो है ना हटा लोगे, देखिए काइंडली और प्लीज दोनों एक ही जैसे वर्ड है, ठीक है, इनको जो है ना आपको हटाना है, इन्वर्टेड कॉमा जब भी आप खोलते हो तो टू लिखकर इनको हटाना है और लिखना है टू चेक स्टूडेंट है तो ही इज
होम वर्क, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आपको करना है, बात जो है ना समझ में आ गई होगी। तो यह है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ से जो है ना आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस खत्म हो गए। अब जो है ना हम बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा लेट्स वाला, ठीक है, लेट वाला टॉपिक। अब लेट वाला टॉपिक जो है ना कैसे करने, मैं पूरा जो है ना मैं आपको खाका बताता। देखिए लेट वाले टॉपिक, देखिए सिंपल सी बात है, लेट यदि आपने कहीं सुना होगा तो होता क्या है, देखिए लेट जो है ना दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, LET, इसको जो है ना हम दो तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो मैं जो है ना अभी आपको बताता हूँ। देखिए देखिए लेट का जो है ना, लेट का मतलब होता है प्रार्थना, सॉरी अलाउ, अनुमति देना, ठीक है, अनुमति देना, अनुमति देना को हम क्या बोलते हैं, अलाउ भी बोलते हैं। ये जो है ना आपको समझ में आ रहा होगा, लेट का मतलब होता है अनुमति देना या अलाउ करना, ठीक है। अब जो है ना लेट जो है ना दो तरीके से यूज कर सकते हैं, लेट एक वर्ब एक क्रिया है, इसको जब हम इसके पीछे लेट लगा लेते हैं ना LET और इसके पीछे अस लगा लेते हैं ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं लेट सर लेट्स, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको लेट बोलते हैं। और खाली जो है ना लेट आ जाए उसका भी जो है ना अलग तरीके से होता है, कैसा होता है देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेट्स वाला, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, द या फिर आई सेड टू माई फ्रेंड, ठीक है ना, FRIEND फ्रेंड, इसके बाद लिखा है लेट्स गो टू प्ले, यह जो है ना आपने बोल रखा, मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो, लेट मतलब अनुमति कर रहे, एक तरीके से आप बोल रहे हो कि चलो खेलने चलते हैं, इसका यह मतलब होता है कि चलो खेलने चलते हैं। तो अब जो है ना इसको आपको कैसे चेंज करना, मैं लेट्स वाला बताऊँ, लेट वाला नहीं, ये वाला आप देखिए, इसको कैसे चेंज करना है आपको जो है ना, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको जो है ना ये सेड जो है ना सेड खाली सेड सेड टू आ जाए या सेड आ जाए, खाली सेड की जगह अपना आपको लिखना है सजेस्टेड, क्या लिखना है SUGGESTED सजेस्टेड, क्या लिखना है सेड की, खाली सेड आ गया होता तो भी आप सजेस्टेड लिखते और सेड टू आ गया है तो सेड की जगह ही आप सिर्फ सजेस्टेड लिखोगे, ठीक है। लिखिए सजेस्टेड, तो देखिए आई सजेस्टेड, सेड की जगह लिखा सजेस्टेड, ये आपने लिख लिया सजेस्टेड, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू माई फ्रेंड, इसको ऐसा कैसा लिख लीजिए, टू माई फ्रेंड, ये जो है ना आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, तो जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो आपको यूज करना है डेट, क्या यूज करना है डेट, इतना जो है ना आपको समझ में आ गया है। अब आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना तो जो है ना आपको जो लेट लिखा हुआ है ना उस लेट को हटा दीजिए, लेट को भी उड़ा दीजिए। अच्छा लेट को उड़ा दिया तो अंदर क्या बचा, अज बचा, ठीक है। तो आपको जो है ना मैं एक नियम बताता हूँ, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आई या फिर जो है ना आई या फिर वी होना तो आपको रिपोर्टेड वर्ब में जो है ना किस में चेंज करना है, आपको जो है ना वी में चेंज करना है। आई या वी हो तो जो है ना सॉरी आई और अज हो तो जो है ना आपको किस में चेंज करना है, वी में चेंज करना है, समझ में आ गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई या वी हो, आई या अज हो तो आपको वी में चेंज करना है, और यदि ये नहीं हो तो आपको बाकी सभी में किस में लिखना है, दे में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आई है तो यहाँ जो है ना आप क्या लिख लोगे, अज है उसको आप चेंज कर दोगे किस में, वी में, डेट वी। इसके बाद वी के बाद मतलब आपकी जो हेल्प जो आपकी ये आपकी क्या है सब्जेक्ट है ना, इसके बाद जो है ना आपको शुड लगाना है, SOULD शुड, इसके बाद गो टू प्ले, बात जो है ना समझ में आ गई, इतना बड़ा सेंटेंस आपका बन रहा है। वापस समझाता हूँ आपको जो है ना सेड तो जो है सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, खाली सेड की जगह सजेस्टेड लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, और जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो आपको इसमें यूज करना है डेट, ठीक है। डेट जो है ना ये आपने यूज कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, अब जो है ना आपको यदि यहाँ पर पहले वाले भाग में आई या अज दे का है तो जो है ना आपको यहाँ पर क्या लगाना है, वी लगाना है। तो ये आपने लगा लिया वी अज की जगह। अब आप सोचोगे कि अज कहाँ से, देखिए लेट अज ये शॉर्ट में है, लेट प्लस अज इस तरीके से जो है, तो अज की जगह आपने लगा लिया वी, और वी के बाद हमेशा और हमेशा और हमेशा आपको शुड का यूज करना है, बात जो है ना आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए राम सेड
राम सेड, क्या सेड किया, लेट्स, ठीक है, लेट्स गो टू द सेंट्रल पार्क या फिर लेट्स गो टू द पार्क, यह जो है ना आपको बोल लिया। अब जो है ना आप क्या करोगे, देखिए राम सेड, अब यहाँ पर सेड आ गया है, लेट्स आ गया है, इसका मतलब सेड की जगह सजेस्टेड लगाना है, बस ये आप कह रहे हो। तो आप लिखोगे राम सेड, राम, राम जो है ना क्या किया, सजेस्टेड, एस यू डबल जी ई एस टी ई डी, राम सजेस्टेड। अब आपको जो है ना ये इतना काम हो गया, अब आपको इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, ये वाले कॉमा को हटाना है, तो इस कॉमा को हटाने के लिए आप क्या लगाओगे, क्या कनेक्टिव वर्ड लगाओगे, डेट, ठीक है ना, डेट। अब आपको लेट को उड़ा देने का है, लेट को गायब कर देने का है, और अस की जगह अब आपको क्या लिखना है, अस की जगह अब आपको लिखना है, यदि राम है आई ऑफ अस को छोड़कर कोई दूसरा नाम है तो आपको जो है ना लिखना पड़ेगा दे, डेट दे। इसके बाद दे लिखने के बाद, मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद, हमेशा आपको यूज करना है शुड, दे शुड गो टू द पार्क। अच्छा, इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, दूसरा रूप क्या है कि आपको जो है ना हमेशा वर्ब के पहले ही, आपके वर्ब है जैसे कि गो, गो मतलब जाना, जाने की ये वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले हमेशा शुड यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए गो है जाना, इससे पहले हमेशा शुड यूज करना, मतलब वर्ब के पहले हमेशा आपको शुड यूज करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत ही अच्छे से आ रही है, तो वीडियो को लाइक जो है वो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से, यदि आ रहा है तो मुझे भी मजा आएगा अच्छे से पढ़ाने में। देखिए और आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, आगे नहीं देखते। देखिए जैसे कि बोल रखा है आई सेड टू निखिल, निखिल आई सेड टू निखिल, क्या कहा मैंने निखिल को, मैंने निखिल को कहा कि लेट्स स्टार्ट स्टडी, ठीक है ना, हम जो चलिए हम पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, लेट्स है, इसका मतलब सेड की जगह सजेस्टेड लिखना है। आप बोलोगे, आप लिखोगे आई सजेस्टेड, एस यू डबल जी ई एस टी ई डी, आई सजेस्टेड, इसके बाद टू, इसके बाद क्या लिखोगे आप, निखिल, आई सजेस्टेड टू निखिल, ठीक है। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो आपको यूज करना पड़ेगा डेट, डेट, इसके बाद लेट को हटा दिया, ठीक है, आई है तो क्या यूज करोगे, वी, तो डेट वी शुड, वी, अब जो है ना स्टार्ट के पहले आप लिखोगे शुड, एस एस ओ यू एल डी, शुड स्टार्ट स्टडी, ठीक है ना, स्टार्ट स्टडी। बात जो है वो समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी सी है, बहुत से आसान है, आप जो है ना समझ सकते हो, ईजी है ना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इतनी ईजी है, बस आपको जो है ना समझना है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए आपका काम जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं लेट, यस, मतलब देखिए दो सेंटेंस होता है, एक तो लेट अज होता हो, एक सिर्फ होता है लेट। अगर खाली लेट आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए खाली अगर लेट आ गया, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए द बेगर, द बेगर, ठीक है, सेड, सेड क्या बोला है, लेट मी स्टे हेयर, स्टे हेयर टू नाइट, या फिर जो आप लिख सकते हो टू नाइट, ठीक है ना, टू नाइट। अब जो है टू नाइट को हटाई दीजिए ना, पेचे मैं क्यों रखते हैं हम, या ही यहाँ तक क्या रखते हैं, लेट मी स्टे हेयर टू नाइट। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि लेट का मतलब होता है अनुमति देना, मतलब हम बोल सकते हैं कि लेट एक तरह की क्रिया है जिसका अर्थ जो है ना अलाउ करना होता है, अनुमति देना होता है, ठीक है। अब देखिए लेट का मतलब होता है अनुमति देना, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरीके के होते हैं, एक तो वो जो डू डज से स्टार्ट होता है, दूसरे वो जो प्लीज से स्टार्ट होता है, और तीसरे कौन से होते हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यदि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यह भी एक तरीके का इंपेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना, यहां पर इस इंपेरेटिव सेंटेंस का यही मतलब निकलेगा कि यहां पर जहां कहीं भी लेट दिख जाए ना, तो वहां पर जो है ना हमेशा प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है, प्रार्थना। इसका मतलब जो है ना आपको सेड की जगह जो है ना क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस
रिक्वेस्टेड जो है वो लगाना है। बाकी इसमें जो है ना देखिए लेट वाला और लेट एज वाला दोनों अलग अलग है, दोनों को आप एक जैसा मत कीजिए। लेट वालों को जो है ना आपको किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था। अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने क्या किया था कि जो सेड होता है ना, सेड या सेड टू की जगह उसकी जगह हम जो है ना ऑर्डर क्या लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, इसके बाद आपको लगाते हैं वॉन्ट लगाते हैं, इस तरीके से जो है ना लगाते हैं, ठीक है। और साथ साथ इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर जो है ना हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम डैड का यूज नहीं करेंगे, तो इस तरीके से आप इसको करना। जैसे कि देखिए द बेगर, अच्छा बेगर का मतलब क्या होता है, भिखारी, ठीक है, याद रखना। द बेगर, इसके बाद क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड। इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो आप लिखोगे इन द रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद अब जो है ना यहाँ पर आपको लेट को कोई हटाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर लेट को हटा देते, यहाँ पर हटाना नहीं है। तो रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, अब मी मतलब कौन है, बेगर है, तो लेट हिम स्टे, स्टे हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये जो है ना आपका काम हो गया। तो लेट वाले भी बहुत ही सिंपल है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए माय फ्रेंड, या फिर आलोक, या बोल सकते हो हरीश, हरीश सैड टू निखिल, ठीक है ना। ये आप लिखोगे हरीश सैड टू निखिल, क्या लिख लोगे, लेट मी स्टडी, स्टडी, लेट मी स्टडी इन नाइट, या फिर बोल सकते हो इन क्लास, क्या बोल सकते हो, इन क्लास, मतलब वो दोनों जो है ना पक्के दोस्त होंगे। तो जो है ना वो क्या कह रहे हैं, हरीश निखिल को बोल रहा है कि मुझे जो है ना क्लास में जो है ना पढ़ने दो, ठीक है ना। तो ये जो है ना क्या कर रहा है, मतलब दोस्ती में जो है ना एक प्रार्थना कर रहा है कि मुझे प्लीज़ पढ़ने दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना क्या करना है, देखिए हरीश जो है ना, हरीश, हरीश, इसके बाद सैड, सैड टू की जगह क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी। अगर यहाँ पर लेट एज होता ना तो खाली हम सैड की जगह क्या लिखते, सजेस्टेड, इसके बाद टू निखिल तो ऐसा कैसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना इम्पेक्टिव वाला है, खाली लेट है, तो हम लिखेंगे हरीश रिक्वेस्टेड, इसके बाद क्या लिखेंगे, निखिल, निखिल, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे और लिखोगे टू लेट हिम, हिम, अच्छा हिम किसके लिए आया, देखिए हरीश के लिए, टू लेट हिम स्टडी, स्टडी इन कहाँ पर, इन क्लास। ये जो है ना आपका काम हो गया, कितना इजी है, कितना आसान है, आप आराम से जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है। मज़ा तो जो है वो आ ही रहा होगा, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, बोलिए मत, ठीक है। साथ ही साथ देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरे तरीके की जो है ना हम लेते हैं। अब आगे हमारी इच्छा वाले, ठीक है। जैसे कि बहुत बार हमने सुना है कि भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, भगवान करे कि तुम जो है ना इस साल टॉप कर दो। मैं भी आपके लिए विश करता हूँ कि भगवान करे और आपकी मेहनत करे कि जो है ना आप इस साल 90+ ले आओ। तो ये सभी सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है, और इन सभी को जो है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के भी जो है ना कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, देखिए देखिए जैसे कि देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसको जो है ना, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई विश, या फिर आई सैड, आई सैड, ठीक है, मे गॉड हेल्प, हेल्प हिम, ठीक है ना, हेल्प हिम, या फिर मे गॉड हेल्प हरीश, या हरीश बोल सकते हो, मे गॉड हेल्प हरीश, ये जो है ना आपको बोलेगा है, मतलब जो है ना मैं बोल रहा हूँ कि जो भगवान है ना वो उस हरीश की मदद करे, ठीक है। अब इसको जो है ना कैसे चेंज किए जाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना वो मतलब बहुत से हो सकते हैं ऐसा सेंटेंस, हमको उसको हम ऑप्टिमेटिव सेंटेंस कुछ कहते हैं। तो इसमें जो है ना होता क्या है कि प्रार्थना की जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाती है, ठीक है, साथ साथ जो है ना कर्स भी, मतलब अभी श्राप भी दिया जाता है कि भगवान उसका खराब करे, इस तरीके से बोला भी जाता है। तो ऐसा सेंटेंस को हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए विश्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पहले यूज करते हैं विश्ड, ठीक है, इसके बाद बोल करते हैं प्रेयर,
ठीक है ना। इसके बाद हम बोलते हैं सी यू आर एस ई डी कर्स्ट, इसका भी जो है ना हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लगभग जो है ना आपको 90% केसेस में आपको विश्ड ही आपको ये आएगा कि विश्ड ही लगभग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने क्या विश किया, मैंने क्या मन्नत मांगी है, मैंने क्या आशा की है, यह आशा की है कि भगवान जो है ना उसकी हेल्प करे। अब यहाँ पर जो है ना विश्ड भी लिखोगे तो भी सही है, फेयर भी लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि एक तरीके से भगवान से प्रार्थना भी की है और आशा भी रखी है। ठीक है ना, विश्ड मतलब होता है आशा की, फेयर मतलब होता है प्रार्थना की, और कॉस्ट मतलब होता है कि अभिशाप दिया। तो आप यहां पर जो है ना आपको क्या लिखना, देखिए आई विश हिम विश्ड। अच्छा, आपने विश किसको किया है, विश जो है ना किसको किया है, हरीश को किया है ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई विश्ड हरीश, ठीक है ना, बोल सकते हो विश्ड हरीश, ठीक है ना। आई विश्ड हरीश, मैंने हरीश को जो है ना क्या की, मतलब हरीश को प्रार्थना की, या फिर हरीश को जो है ना हरीश के लिए आशा की। क्या आशा की कि इसके बाद आपको जो है ना इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, यहाँ पे आप लिखना है डैट गॉड माइट, गॉड इसको जो है ना, अब जो है ना आपको क्या कर लेने का है कि जो भी मे के बाद दिखे ना, यहाँ पर तो गॉड दिखा है, हो सकता है कि कुछ भी दिख जाए, तो जो भी मे के बाद शब्द दिख जाए ना उसको पहले लिखना है। जैसे कि डैट के बाद क्या दिखेगा, पहले गॉड, तो ये आपने लिख लिया गॉड। इसके बाद आप लिखोगे, देखिए गॉड तो कैपिटल में लिख लेंगे, इसके बाद आप लिख लोगे गॉड माइट एम आई, मे को जो है ना माइट को चेंज करना, मतलब टेंस को जो है ना आपको चेंज करना है यहाँ पर। जैसे कि मे को माइट में चेंज कर ले तो गॉड एम आई जी एस टी माइट हेल्प हरीश। अब यहाँ पर हरीश भी लिख सकते हो या फिर हिम भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो आपने लिख लिया हेल्प हिम, इस तरीके से जो है ना करना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए और से एग्जाम्पल जो है मैं लिख कर लाया हूँ आपके लिए, क्या क्या है देखिए। द बेगर सेड सेड टू मी गॉड मे गॉड ब्लेस यू मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, जैसे कि देखिए आई सेड टू हर, आई सेड टू मी। ठीक है, देखिए एक दो और सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कि ही सेड टू मी, सेड टू मी। ठीक है, क्या उसने मुझे कहा कि मे गॉड ब्लेस्ड यू, ठीक है ना, ब्लेस यू। अब ये समझिए, इसको जो है ना हमें बदलना है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको जो है ना यहाँ पर क्या किया, प्रार्थना की है, आशा की है ना, तो आपको जो है ना सेड टू की जगह आपको लिखना है ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया, ही विश्ड मी। ठीक है ना, विश्ड आप समझे हो कि विश्ड किया, ही विश्ड मी। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है डैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर जो है ना डैट लिख लेने का है, तो ही विश्ड मी डैट। इसके बाद मैंने आपको बोला कि मे के बाद जो भी शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पर गॉड है, ठीक है, तो जो है ना आपको क्या करने लगा है, गॉड को पहले लिखोगे तो मे डैट गॉड माइट, गॉड माइट एम आई जी एस टी माइट ब्लेस। अच्छा, यू की जगह क्या आ जाएगा, मुझे किया है ना विश। अच्छा, यू मतलब मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ, तो मे आई ग्लॉस सॉरी मे गॉड माइट ब्लेस मी, मतलब मुझे जो है ना भगवान क्या करे, ब्लेस दे, इस तरीके से लिखना है। जैसे कि देखिए हरी सैड टू परमेश्वर, हरी सैड टू परमेश्वर, क्या बोला है कि मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है ना, ये जो है ना यहाँ पर लिखे का है कि मे यू लिव लॉन्ग। हरीश जो है ना वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर भगवान कहे कि आशा करता हूँ कि तुम जो है ना ज़्यादा वर्षों तक जियो, ज़्यादा से ज़्यादा जियो। तो अब जो है ना आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखिए आपने विश्ड किया है तो आप लिखोगे हरी विश्ड, हरी ने जो है ना वो परमेश्वर को विश्ड किया, हरी विश्ड परमेश्वर क्या विश्ड किया डैट। अब यू है, यू किसके लिए आया, परमेश्वर के लिए। अच्छा, डैट ही आएगा मतलब कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जिए, डैट ही माइट मतलब इन दोनों को जो है ना चेंज कर देने का, बस कुछ नहीं करना, ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है ना, ये जो है ना आपको लिख लेने का है, ये जो है ना आपका काम हो गया। तो इस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप आराम से जो है ना कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना क्या होते हैं, इसको तो हमें समझ ही नहीं क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो है ना हम बात करें, तो देखिए सिंपल सी बात है, देखिए पहले लिख लेता हूँ सेंटेंस।
अब जैसे कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, जैसे कि आपके क्लास में कैसा बच्चा था जो मतलब बिल्कुल पूरे साल पढ़ा नहीं, और आपको कभी लिख और आपको जो है ना एग्जाम का जो रिजल्ट आए तो आपको पता चल जाए कि उसने टॉप कर दिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या उसने टॉप कर लिया? इस तरीके से जो है ना आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो क्या आपने बोला है ना, वो भाव अपने भावना व्यक्त की है, ठीक है ना। जैसा कि आपको बोल लिया कि भगवान उसका भला करे, जैसे कि आपको बोल लिया अरे यार ये क्या हो गया, इस तरीके से जब हम भाव व्यक्त करते हैं ना, उन भाव व्यक्त करने वालों को हम ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसकी पहचान जो है ना क्या होगा, यह जो है ना किससे स्टार्ट होगी पता है, व्हाट, इसके बाद हाउ, इसके बाद आपके हो जाएंगे जैसे कि अलास, इसके बाद एच यू डबल आर ए एच, हुए हो गया, ओ हो गया, ठीक है ना, हुए हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, इस तरीके से जो है ना ये आपके सेंटेंस स्टार्ट होंगे, बात जो है ना समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो और साथ साथ एक और बात, इनसे स्टार्ट होंगे और वाक्य के अंत में जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है ना, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मतलब समझ रहे हो ना, विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, विस्मयाबोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा उसके अंत में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना किन का यूज़ करते हैं, देखिए इसके लिए हम बोलते हैं, देखिए जैसे कि हरी सैड, जैसे बोल लीजिए हरी सैड सैड, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बी ई ए यू टी आई एफ यू ब्यूटीफुल सीन, यह जो है ना हवि ने बोला है कि क्या ब्यूटीफुल, क्या सुंदर नज़ारा है, हवि ने यह बोला। आपने कहीं गए और कोई अच्छा सा नज़ारा देख लिया तो आप यही तो बोलोगे कि क्या सुंदर नज़ारा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, देखिए इसको लिखने के लिए जो सैड है ना, उस सैड की जगह लिखने के लिए बहुत से वर्ड होते हैं, जो कि क्या होता है, देखिए एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, या तो आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड, या फिर आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है ना, विथ सरप्राइज, सरप्राइज, इस तरीके से जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये एक्सक्लेम विथ सरप्राइज आपको कहाँ पर लिखना है, जब भी सेंटेंस व्हाट या फिर हाउ से प्रारंभ हो, व्हाट या हाउ से जो है ना जब भी प्रारंभ होगा तब आपको जो है ना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखना पड़ेगा। अच्छा, आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये भी जो है आप लिख सकते हो, मतलब जॉय से जो है ना खुशी से पागल हो जुमा, ठीक है। तो आप ये कब लिखोगे, जब जो है ना सेंटेंस एच यू डबल आर ए एच हुए, हुए से जो है ना सब स्टार्ट हो, ठीक है, किससे स्टार्ट हो, हुए से प्रारंभ हो। साथ साथ देखिए बात करते हैं एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इसमें जो है ना आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसमें ये कब होगा, जब अल्लाह आ जाएगा, ठीक है, अल्लास, क्या है अल्लास, अल्लास मतलब हाय राम, ऐसे हम बोलते हैं ना हाय राम, इसको ये कैसे हो गया, ठीक है ना, ये कैसे, ये नहीं होना था, ये कैसे हो गया, तो वहाँ पर जो है ना यदि अल्लास आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है ना, ओ आ जाए, तो वहाँ पर जो है ना हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो, मतलब दुखी, हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब दुख हमें भाषा में व्यक्त करना, लिख कर व्यक्त करना है तो हम क्या लगाएंगे, यही तो जो है ना हम लगाएंगे ना, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है अपलोडेड, ठीक है, क्या होता है अपलोडेड, ए डबल पी एल ए यू डी ई डी, अपलोडेड जो है ना कब आपको यूज़ करना है, जब सेंटेंस में आपको जो है ना वेवो दिख जाए, क्या दिख जाए, वेवो, तब जो है ना आपको अपलोडेड का यूज़ करना है, ठीक है। एक एक करके हम सभी एग्जांपल्स को जो है ना करते हैं, इसके बाद काम आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको जो है ना कुछ बताऊंगा, देखिए क्या बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, इसको समझने की, जैसे कि ये देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको लिखना है हरि, ठीक है। अब जो है ना सैड, देखिए व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, हरि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखना है एक्सक्लेम विथ सरप्राइज डैट व्हाट डैट द सीन, डैट द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले सैड की जगह ये लगाना है, ठीक है, इनमें से कोई भी, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर आपको डैट लगा लेने का है, ठीक है, डैट लगा लेने का, डैट लगा लोगे, ठीक है। इसके बाद ये जो टेंस है ना, इन टेंस को जो ना यहाँ पर जो टेंस है ना, उन टेंसों को जो मैंने टेंस के नियम बताए ना, उन नियमों के हिसाब से चेंज करना है, और जो आपको व्हाट या हाउ वगैरह दिखती है ना, उनको सेंटेंस से हटा लेने का है। जैसे कि देखिए एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसको हम हल करके देखते हैं, इसको हल करके देखा तो देखिए क्या लिखोगे आप, हरी हरी एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है ना, ये जो है ना आपने लिख लिया एक्सक्लेम विथ सरप्राइज डैट
अब आप लिखोगे डेट। अब डेट क्यों लिखा, क्योंकि आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हो, तो आपने लिख लिया डेट, ठीक है। इसके बाद व्हाट वगैरह को हटा लेने का है और आपको लिख लेगा। अब जो है ना, आप ये देखिए, हरी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, वो सरप्राइज जो है ना मतलब आश्चर्यचकित हो उठा कि यस, जो सीन है ना वो बहुत ही क्या है, सीन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब ये ब्यूटीफुल है ना, यहाँ पर है, तो अब आप लिखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब आप लिखोगे द सीन डैट द सीन डैट द सीन एस ई एन सीन वॉज वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, इस तरीके से आपको लिखना है। वेरी तो हर जगह लगाना ही है, लगभग हर जगह आपको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी वेरी तो जो है आपको हर जगह लगाना है। और ये आपने चेंज कर दिया पास्ट, देखिए प्रेजेंट से कंटिन्यूस टेंस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज आपने कर लिया है, बात जो है ना समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, देखिए डेट तक तो आपको समझ में आता है, इसके बाद आपने सिंपल भाषा में पास्ट में लिखना है कि द सीन वॉज वेरी क्या है ब्यूटीफुल, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि एक दो और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, देखिए इस तरीके से और भी आपको करना है। जैसे कि देखिए आपको बोल लिया कि जैसे कि आप मान लो ही सेड व्हाट अ डर्टी सीन, ठीक है ना, व्हाट अ डर्टी सीन, ये जो है ना आपको बोल लिया, तब जो है ना आपको क्या करना है, आपको वो ये वर्ड से स्टार्ट हुआ तो आप लिखोगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, तो आप लिखोगे ही एक्सक्लेम्ड विथ अ सरप्राइज, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज डैट, ठीक है डैट, ठीक है। अब आप लिखोगे द सीन, क्योंकि यहाँ तक तो है कि अब वो जो दृश्य है, सॉरी डर्टी सीन, ठीक है, अब जो वो दृश्य था वो बहुत ही खराब था, तो आप क्या लिखोगे डैट द सीन was very dirty। अच्छा, ये जो है ना, ये आपको समझ में नहीं आती है ना फीलिंग, तो मैं आपको समझाता हूँ। यदि इस तरीके के केसेस में आपको नाउन संज्ञा जो है ना, जो वर्ब है ना वो आपको सबसे लास्ट में दिख जाए, ठीक है ना, जैसे कि ये देखिए सीन, इस तरीके से करना था, ठीक है, तो समझ में जो है वो आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, देखिए जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि देखिए आपको बोल रखा है कि ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार ही हैज परचेस्ड, क्या बोला, देखिए ही सैड इसके बाद बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल कार ही हैज परचेज, ठीक है ना, इस तरीके से जो है ना आपको लिखना है। अब ये जो है ना, इसको कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना क्या हुआ है, यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि देखिए दो तरीके के सेंटेंस है, एक तो ऊपर वाला देखिए कि ही सैड व्हाट अ डर्टी सीन, और यहाँ पर क्या है ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार ही हैज परचेज। अब इन दोनों में चेंज क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें जो है ना सबसे लास्ट में जो है ना क्या आ गया है, संज्ञा, क्या आ गया है, संज्ञा नाउन आ गई है, और इसमें सबसे लास्ट में जो है ना क्या आ गया है, वर्ब क्रिया आ गई है, ठीक है ना। तो जब भी सबसे लास्ट में संज्ञा आ जाए, सीन आ जाए ना, कोई मतलब कोई आकर नाउन आ जाए, तब जो है ना उस नाउन के आगे द लगा कर, उस नाउन के आगे द लगा कर जो है ना उसको स्टार्ट कर लीजिए, बात समझ में आ गई, नाउन के आगे द लगा कर उस सेंटेंस को स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि वर्ड तो आपको हटाना ही है, ठीक है, इसके बाद नाउन के आगे द लगाए तो द सीन, इसके बाद वॉज वेरी डर्टी, ठीक है, वेरी तो हर जगह लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद जो है ना क्या लिखना है, डैट अब जो है ना आपको जो है ना क्या करना है, आपको सिंपल सा सेंटेंस लिखना है कि ही हैड परचेज्ड अ वेरी क्या है ब्यूटीफुल कार, ठीक है ना, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल कार, इस तरीके से जो है ना आपको करना है। इसमें और उसमें यह चेंज है कि जो है ना इसमें आपको ना सिंपल सा सेंटेंस बनाया है, और इसमें आपने संज्ञा जो है ना नाउन है ना उसके आगे द लगाकर सेंटेंस बनाया है, ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपको करना है। साथ ही साथ टेंस का चेंज तो जो है ना आपने यहाँ पर किया ही है, ठीक है। अब एक दो और एग्जाम्पल है, ये तो थोड़े टफ थे, इसमें जो है ना हम आगे देखते हैं,
ये वाले सेंटेंस जो है ना आपको सिंपल लगेंगे। देखिए अब जो है ना खास बात क्या है कि यदि जैसे कि यहाँ पे व्हाट वगैरह आ गए हैं तो आप जो है ना व्हाट के लिए हाउ के लिए यदि एक्सक्लेम विद सरप्राइज नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चलेगा। आप सिर्फ लगा लोगे एक्सक्लेम तो भी जो है ना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लेकिन आपको किस में ये सब लगाने हैं, जैसे कि देखिए सी सैड क्या क्या है, अल्लास ही इज नो मोर, ठीक है ना, ये जो है ना बोले का है। अच्छा यहाँ पर जो है ना आपको लिखना पड़ेंगे अल्लास है तो यहाँ पर जो है ना स्पेशली लिखना पड़ेगा कि एक्सक्लेम विद सॉरो, तो यहाँ पर आप लिखोगे सी सैड विथ सॉरी सी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज विथ सॉरी विथ सॉरो SORROW विथ सॉरो डैट ही इज इसकी जगह आप चेंज कर दोगे ही वॉज नो मोर, ठीक है ना। ये तो जो है ना बिल्कुल से आपको सिंपल होंगे, बस इसमें जो है ना आपको ये वाले लगाने के, अल्लाह से तो अल्लाह को हटा कर जो है ना आपको एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सरप्राइज ये जो है वो लगा लेने के है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ईजी सा है, आप आराम से जो है ना इन्हें कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जो है ना देखिए इसके टेंस इसके जो जितने भी क्वेश्चन है ना इनके ऊपर हम क्या लेंगे टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट क्यों लेंगे, ताकि आप खुद से सॉल्व कर पाओ और जब खुद से सॉल्व कर पाओगे ना तब जो है ना आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन भी आपको जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो जो 2021 के जो इस साल मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आए ना उसको मैं आपको टेस्ट के फॉर्म में दे दूंगा और वो आपका पहला टेस्ट कल आएगा, उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को आप हल करना, उनके सॉल्यूशन उसके अगले दिन मिलेंगे या फिर जल्द ही चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम उस पर जो है ना आप आकर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो है ना अपने पढ़े अच्छे से कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और जो है ना एग्जाम में फोड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।